हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो भी जिसको याद करता है, आप उससे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जब हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो ही हम स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 3। लेकिन कौन से चैप्टर का? हमारे चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर 1 और 2 पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को वो दोनों वीडियोस क्लियर होंगे, जिसमें हमने लेक्चर 1 और 2 में यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने इंट्रोडक्शन किया, जो कि आधारभूत संकल्पनाएं होती है। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको नाम पद्धति सिखाई एल्डिहाइड और कीटोन की। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात अभी हमने नहीं की है, हम लास्ट में चैप्टर के सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल को स्पेशल कैटेगरी में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम किसकी बात करेंगे? अभी हम सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन की नाम पद्धति आपने देख ली। वर्गीकरण नाम का ऐसा कुछ टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है, तो हम सीधा इंट्रोडक्शन से किस पे आ गए? नाम पद्धति पे आ गए। अब हमारा जो तीसरा मुद्दा होता है, वो होता है कि ये जो हम पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कीटोन पढ़ते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा, इनको आखिर बनाया कैसे जाए? तो बनाने की विधियों को हम कहते हैं विरचन की विधियां। और आज के लेक्चर में हम कुछ जनरल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की कुछ कॉमन मेथड्स। ठीक है, उसके बाद डिटेल में हम एल्डिहाइड को कैसे बनाएं, कीटोन को कैसे बनाएं, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ जनरल तरीके हैं जिनसे आप दोनों को ही बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन। ठीक है, अब बात हुई है एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड का क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड का मतलब सबको पता है कि एल्डिहाइड अगर नाम आ जाए, तो नाम आते ही मुझे पता होना चाहिए कि CHO ग्रुप है। ठीक है, कीटोन, कीटोन का मतलब RC डबल बॉन्ड OR, ROR है, R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है। इसका मतलब अगर CHO ग्रुप है तो वो मेरा एल्डिहाइड है, और अगर मेरे पास RCOOR है तो वो मेरा कीटोनिक ग्रुप है। अब इन दोनों को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ जनरल मेथड्स है। ठीक है, अब बच्चों हर चीज जो होती है ना, वो अधिकतर अल्कोहल से ही बनाई जाती है। तो अल्कोहल से कोई भी चीज को बनाना, मतलब अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया हमको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप भूल चुके हो तो आपकी याददाश्त के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको कार्बनिक रसायन के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम था अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ठीक है, तो वहां पर जाकर उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से देखिए, समझिए, तभी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाना है वो आप सीख पाएंगे। तो हम अल्कोहल पे अभिक्रियाएं करके एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं, पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम 1 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो हम एल्डिहाइड बनाएंगे, और 2 डिग्री का अल्कोहल लेंगे तो हम क्या बनाएंगे? तब हम कीटोन बनाएंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोनों का विरचन। तो एल्डिहाइड और कीटोनों की विरचन की विधियां हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि अभी हम आज सिर्फ एल्डिहाइड को बनाना सीखेंगे, कीटोन का विरचन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो सिर्फ अभी आप एल्डिहाइड पे ध्यान दीजिए। क्लियर? चलो, तो एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन की हमारे पास में 3 विधियां हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन को 3 मोटे मोटे रूप से हम बना सकते हैं। तो वो पहला रूप क्या है जिससे आप एल्डिहाइड को कीटोन को बना सकते हो? तो पहला तरीका है कि अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर दो, अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब बच्चों, अल्कोहल का ऑक्सीकरण एक्चुअल में होता क्या है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। और जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना, तब होता क्या है, हमेशा जो वाटर होता है, जल होता है, वो सभी क्रिया से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा
H2O, H2O मतलब आपका जल, वो अभिक्रिया में से बाहर निकलेगा। क्लियर? इतना पहला तरीका है अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर दो। अल्कोहल क्या होते हैं, इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में, जो कि एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 11 है, वो वहां पे मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो उसके लिए आपको वो वाली वीडियोस को रेफर करना होगा। तो अल्कोहल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि एल्डिहाइड आपको समझ में आए। क्लियर? चलो आगे है अल्कोहलों के वी हाइड्रोजनन का मतलब होता है हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि इसकी क्या विधियां हैं। तीसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से, कि एल्डिहाइड का निर्माण हम हाइड्रोकार्बन से करेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के यौगिक। किसके यौगिक? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। कार्बन और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चीज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, जब मैंने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको बता दिया था। क्लियर? तो मोटी मोटी तीन विधियां हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। पहला, अल्कोहल का कर दो ऑक्सीकरण। दूसरा, अल्कोहल का कर दो वी हाइड्रोजनन। और तीसरा, हाइड्रोकार्बन से। तो तीनों विधियों को विस्तार में पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। तो सबसे पहला है आपका अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। बात कर लें अल्कोहल की, याद है कि भूल गए? अगर नहीं याद तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लो कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल जो है वो आपका वो समूह है जिसमें आपका OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है, ROH इसका जनरल सूत्र है। अब बच्चों अगर बैक में जाओगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है, उसको याद कर लो कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर कौन सा 11 अल्कोहल फिनोल वाला, वहां मैं आपको बता चुकी हूं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे हमेशा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लेकिन कौन से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन? वो होता है आपका 1 डिग्री अल्कोहल का। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए कोई ना कोई अभिकर्मक डालना पड़ेगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑक्सीकरण हमेशा अम्लीय K2Cr2O7 और अम्लीय KMnO4 की प्रेजेंस में ही होता है। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को करवाने के लिए मुझे कितनी चीजें चाहिए? या तो मुझे अम्लीय K2Cr2O7 चाहिए, या फिर मेरे को अम्लीय KMnO4 चाहिए। क्लियर? तो क्या चाहिए आपको? चाहिए या तो K2Cr2O7, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम का डाइक्रोमेट। ये कैसा होना चाहिए? ये आपका अम्लीय होना चाहिए। या फिर आपको चाहिए KMnO4, ये भी कैसा? अम्लीय। अम्लीय मतलब एसिडिक। K2Cr2O7 को हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, और KMnO4 को हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इतना क्लियर? ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छे ऑक्सीकरण के अभिकर्मक हैं। तो ये दोनों को लेना बहुत जरूरी है अगर ऑक्सीडेशन करवाना है। अगर आप इनको भूल गए तो कोई ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा। तो जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ये दोनों नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाने चाहिए। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुत ही अच्छे अभिकर्मक हैं, या आप कह सकते हो ये दोनों उत्प्रेरक हैं ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया आपकी जीरो है, वो होगी ही नहीं। क्लियर? अब मैंने बोला अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे मुझे क्या क्या मिलेगा? तो बच्चों अगर अल्कोहल आपका 1 डिग्री वाला है, अब आप पूछोगे मैम 1 डिग्री क्या होता है? अगर आप 1 डिग्री को भूल चुके हो तो आपकी याददाश्त बहुत ही कमजोर है। आप 10th और आपका 11th चैप्टर ध्यान से देखिए, तभी आपको पता पड़ेगा कि 1 डिग्री मैंने आपको क्या सिखाया था। भूल चुके हो तो एक बार फिर देखो कि 1 डिग्री आखिर में होता क्या है। बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब है? 1 डिग्री अल्कोहल,
वन डिग्री का मतलब होता है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भाई साहब आगे जाके एक और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, या तो एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं या फिर वो अकेले हैं। तो देखो, मैंने बोला COH, ठीक है, और मैंने इसको आगे एक और CH3 से जोड़ दिया। यहां पर आपका कितने H की कमी है, 2H की कमी है, तो एक H यहां लगा दो, एक H यहां लगा दो। यहां आप इसको लिख सकते हो CH3CH2OH, ये लिख सकते हो ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने बहुत सिंपल भाषा में एक चीज बोली कि OH होता है आपका एल्कोहलिक ग्रुप। एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है। वापस बोल रही हूँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है। तो अगर आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा वन डिग्री का एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके एक और कार्बन से जुड़ा है, तो कैसा अल्कोहल हुआ, वन डिग्री अल्कोहल। जब बच्चों वन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे, क्या करवाओगे, वन डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाओगे, तो हमेशा वन डिग्री का ऑक्सीकरण करवाने पे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो यहां पर लिख दो कि अगर मैंने वन डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH दिखे, ये आपका COOH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब भी मैं ऑक्सीडेशन करूंगी, ऑक्सीकरण करूंगी, मुझे यहां पर ऑक्सीकरण करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, एल्कोहलिक KMnO4, सॉरी एसिडिक KMnO4 या फिर K2Cr2O7, दोनों में से आप कुछ भी यूज में ले सकते हो। हमको बनाना है इस वन डिग्री अल्कोहल से, क्या बनाएंगे, इस वन डिग्री अल्कोहल से हम एसिड बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3COOH, क्लियर। ये H और ये OH, ये दोनों मिलके H2O बन के बाहर निकल गया और ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप देखो कि आपका एल्कोहलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है कि वन डिग्री वाले अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है तो ऑक्सीकरण करने पे मुझे क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण करने पे मुझे एसिड मिलेगा, क्लियर। अब अगली बात कर लेते हैं टू डिग्री वाले भाई साहब की, ठीक है। अल्कोहल है टू डिग्री वाला, बच्चों अगर टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे, क्या करोगे, ऑक्सीकरण करोगे, ठीक है। तो टू डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे आपको मिलेगा कीटोन। क्या प्राप्त हुआ मुझे, मुझे प्राप्त हुआ कीटोन। वन डिग्री का करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, टू डिग्री का करा तो मुझे मिला कीटोन, ठीक है, टू डिग्री का कीटोन। अब यहां पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि आखिर टू डिग्री होता क्या है, ठीक है, भूल चुके हो पिछली वीडियोस को, दोबारा एक बार क्विकली देख लो। अभी के लिए बता देती हूँ, टू डिग्री अल्कोहल का मतलब है कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो आगे जाके दो कार्बन से और जुड़ा है, ठीक है। तो देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो भाई साहब आगे जाके दो और कार्बन के साथ जुड़े, क्लियर है। तो ये हो गया आपका H3, यहां लगा देती हूं मैं H2 और यहां पे कमी है एक H की, क्लियर इतना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके दो और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, ये हो गया H3, ये हो गया H, ये हो गया आपका H3। ये कौन सा अल्कोहल हुआ बच्चों, ये हुआ आपका टू डिग्री अल्कोहल। अब मैंने क्या बोला, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके दो कार्बन के साथ और जुड़ा है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके दो कार्बन से और जुड़ा है, तो हम कहेंगे कि हमारा कैसा अल्कोहल है, ये हमारा टू डिग्री का अल्कोहल है, क्लियर। चलिए, टू डिग्री अल्कोहल का मुझे करना है ऑक्सीकरण, क्या कर दूं, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण करने के लिए या तो मुझे इसमें KMnO4 डालना पड़ेगा या फिर मेरे को इसमें K2Cr2O7 डालना पड़ेगा। बच्चों ये दोनों इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इतने एक्टिव हैं कि इनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इतने तगड़े हैं कि इनके बिना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं हो सकती, तो हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये कैसे उत्प्रेरक हैं। ये एकदम प्रबल उत्प्रेरक हैं। कैसे उत्प्रेरक हैं? एकदम प्रबल। तो हम बोलेंगे कि हमने जो K2Cr2O7 लिया और हम जो KMnO4 की बात कर रहे हैं, ये दोनों हमारे कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये दोनों हमारे प्रबल उत्प्रेरक हैं। कैसे उत्प्रेरक? प्रबल उत्प्रेरक। ठीक है, प्रबल का मतलब बहुत एक्टिव हैं, बहुत तगड़े हैं, जल्दी से ऑक्सीकरण कर देते हैं। क्लियर इतना? अब मुद्दा ये था कि अगर अल्कोहल 2 डिग्री का है, अल्कोहल अगर 2 डिग्री का है तो उससे क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा आपको कीटोन देगा। बात क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल हमको हमेशा क्या देगा? 2 डिग्री वाला अल्कोहल हमेशा हमको कीटोन देगा। तो करेंगे क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर आ गया आपका CH3। तो देखो ये H और ये OH, ये H और OH दोनों ने मिलके क्या बाहर निकाला? वाटर को बाहर निकाला। और मैंने हमेशा बोला कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा जल हमेशा बाहर निकलेगा। क्लियर? तो यहां आपका ये क्या बना? ये बना आपका कीटोन। कैसे पता चला मुझे ये कीटोन है? सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड आपका R ग्रुप। तो जब भी ROR देखने को मिले आसानी से समझ जाओ कि ये क्या है, ये आपका कीटोन है। क्लियर? तो ये क्या है आपका? ये आपका कीटोन है। अब बच्चों बात आती है 3 डिग्री वालों की, 3 डिग्री वाले अल्कोहल। ठीक है, बात हो रही है 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री वाले अल्कोहल तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं, कोई अभिक्रिया नहीं देंगे। तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ भी कर दो ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 डालो या KMnO4 डालो, दे आर गोइंग टू शो यू नो इफेक्ट। ये आपको कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा नो इफेक्ट। क्लियर इतना? चलो तो हमें यहां से क्या कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिली कि अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करती हूँ K2Cr2O7 या KMnO4 की उपस्थिति में, तो 1 डिग्री से मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 डिग्री से मुझे मिलेगा कीटोन और 3 डिग्री वाले हमारा कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं दर्शाएंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल हमारे लिए यहाँ पर किसी काम के नहीं है। क्लियर इतना? तो ये तो बात थी, अगर आपने उत्प्रेरक जो लिए हैं वो उत्प्रेरक आपके बहुत ज्यादा प्रबल हैं। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर पहला उत्प्रेरक बात कर चुकी हूं K2Cr2O7 और KMnO4 की। अब मैं बात कर रही हूं PCC की। इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या काम करता है वो मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक और रिएजेंट हम पढ़ेंगे, इसका नाम है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट का मतलब होता है जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, तीसरी बात करेंगे, सॉरी चौथी बात मैं करूंगी कॉलिन के रिएजेंट की। कॉलिन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट को हम बोलते हैं कॉलिन का अभिकर्मक। क्लियर? पांचवा हमारा होता है सेडजेस, जिसको हम बोलेंगे सेड्स का अभिकर्मक। रिएजेंट मतलब होते हैं आपके अभिकर्मक, कैटलिस्ट मतलब होते हैं आपके उत्प्रेरक। अब यहां पर मैंने 2, 3, 4, 5 नंबर पे बहुत सारे आपके
अभिकारकों को लिखा है। एक मैंने लिखा पीसीसी, एक मैंने लिखा जॉन्स का रिएजेंट, एक मैंने लिखा कॉलिंस का रिएजेंट और एक मैंने लिखा सेचेस का अभिकर्मक। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, इतने सारे जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे ही ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अभिकर्मक हैं। इसका मतलब ऑक्सीकरण अगर आपको करवाना है तो आप इन अभिकर्मकों की भी सहायता ले सकते हो। तो बच्चों पहले मैंने नाम लिखा है पीसीसी। इस पीसीसी का मतलब होता है पिरिडिनियम का क्लोरोक्रोमेट। अब ये पिरिडिनियम क्या होता है, आपको करना क्या है, एक बेंजीन की रिंग बनानी है और यहां पे आपको एन लगाना है। ठीक है, बेंजीन की रिंग जैसे बनती है वैसे बना दो। क्लियर। अब यहां पर क्रोमेट है तो CrO3 और क्लोराइड है तो यहां लेंगे हम HCl। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में जब इस अभिक्रिया को आप करवाते हो तो पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ये पूरा होता है, इस पूरे को आपको ऑक्सीकरण के रूप में इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है जॉन्स का रिएजेंट। जॉन्स का रिएजेंट क्या होता है, जॉन्स रिएजेंट होता है आपका H2Cr2O4 इन एसीटोन। एसीटोन के अंदर अगर आपने H2Cr2O4 लिया तो ये होता है आपका जॉन्स का अभिकर्मक। नेक्स्ट है आपका कॉलिन का अभिकर्मक। अब कॉलिन का अभिकर्मक क्या होता है, दोबारा से ये पिरिडिन बना दो, पिरिडिन मतलब बेंजीन रिंग में यहां पे एन लगा दो। रेशियो यहां पर आपको क्या लेना है, यहां लेना है आपको CH2Cl2। क्लियर। अब नेक्स्ट होता है सेस का अभिकर्मक। तो सेस का अभिकर्मक क्या होता है, वापस पिरिडिन बना दो, ठीक है, यहां लगा दो CH2Cl2 और यहां लगा दो HCl। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में ये अभिकर्मक आपको लेना होता है 1:2:1 की क्वांटिटी में। इस अभिक्रिया में ये अभिकर्मक होता है 1:1:1 के रेशियो में, 1:1:1 के अनुपात में। अब आप सोचोगे कि मैंने ये सब क्या लिखा है, बट बच्चों दिस इज अ कंप्लीट रेक्टिफिकेशन, इसको यहाँ पर रटना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। हम पूरी रासायनिक विज्ञान को, पूरी कार्बनिक रसायन को हमेशा समझ के चलते हैं, लेकिन ये रिएजेंट के नाम तो हमको रटना ही पड़ेगा। तो आप इसको रट लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अभिकर्मक भी आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो पहला अभिकर्मक मैंने बोला पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बेंजीन के रिंग में एन लगाओ, CrO3HCl, तीनों का कितना अनुपात चलेगा 1:2:1। सेकेंड होता है जॉन का अभिकर्मक, H2Cr2O4 को लेना है आपको एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट है कॉलिन का अभिकर्मक, दोबारा से पिरिडिन लेकिन CH2Cl2 के साथ। यहाँ पर सेच का अभिकर्मक, ये 1:1 में CH2Cl2HCl। तो ये सारे अभिकर्मक हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो अभिकर्मक है ना ये थोड़े से आपके कमजोर हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि K2Cr2O7 और KMnO4 तो बहुत ही तगड़े अभिकर्मक हैं, जल्दी से ऑक्सीकरण कर देंगे, लेकिन ये थोड़े से कमजोर हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे दुर्बल उत्प्रेरक हैं। दुर्बल माने कमजोर है। और वो कैसे थे, वो उत्प्रेरक थोड़े से एक्टिव थे ना, प्रबल थे। अगर K2Cr2O7 की बात करूं तो अपने आप में बहुत एक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो, लेकिन ये उत्प्रेरक कैसे हैं, ये थोड़े से कमजोर हैं, थोड़े से दुर्बल हैं। तो कितने ऑक्सीकरण करने के लिए कितने एजेंट हो गए, 5 तो यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब ऑक्सीकरण हम करेंगे छठे अभिकर्मक से, छठा अभिकर्मक। अब ये छठा अभिकर्मक कौन है, ये जो है ना ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है। ठीक है, MnO2, नाम तो सबने सुना होगा इस अभिकर्मक का। ये भी क्या करता है, ये भी आपका MnO2 भी क्या काम करता है, ये भी आपका ऑक्सीकरण का काम करता है। ठीक है, ये MnO2, तो ये अभिकर्मक जो है हमारा, ये अभिकर्मक क्या है आपके, ये सारे अभिकर्मक आपके दुर्बल अभिकर्मक है। यहाँ पर एक करेक्शन कीजिए, यहाँ पर आपको CrO3 भी लेना है, तो इसका अनुपात हो गया 1:1:1:1, और यहाँ भी आपको CrO3 लगाना है तो ये भी हो गया 1:1:1। ठीक है बच्चों, कंप्लीट रेक्टिफिकेशन यहाँ पे आपको करना है। ये जितने भी अभिकर्मक के नाम मैंने लिखे हैं, पीसीसी, जॉन का अभिकर्मक, कॉलिन का अभिकर्मक या सेस का अभिकर्मक,
ये सारे अभिकर्मक हमको रटने पड़ेंगे इनके स्ट्रक्चर इनके फॉर्मूले के साथ। तो स्ट्रक्चर को चाहें तो आप यहां से कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये कितने अभिकर्मक हो गए, ये हो गए 5। अब मैं आगे बढ़ती हूं छठे अभिकर्मक की तरफ। जो आपका 6th नंबर का अभिकर्मक है ना, वो बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है। आपने इसका नाम सुना होगा MnO2। MnO2, ये जो MnO2 है, मैंगनीज का डाइऑक्साइड, ये भी हमारा बच्चों बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सारी अभिक्रिया में हम इसको काम में लेते हैं। तो MnO2 आपका बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा अभिकर्मक है। अभी तक जो मैंने बात की, मैंने सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात की। लेकिन बच्चों आप वापस से बैक में जाओ और आप कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर देखो, आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि दो चीजें होती है, एक एलाइलिक भी होती है, एक बेंजाइलिक भी होती है। तो आपके पास में अल्कोहल एलाइलिक भी होते हैं और बेंजाइलिक भी होते हैं। तो अल्कोहल और कौन से होते हैं हमारे पास, अल्कोहल हमारे पास एलाइलिक भी होते हैं और अल्कोहल हमारे पास में बेंजाइलिक भी होते हैं। तो बच्चों क्योंकि अल्कोहल हमारे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों हैं, तो एलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना हो तो इस प्यारे से अभिकर्मक को, प्यारे से उत्प्रेरक को यूज में लो, जिसका नाम है MnO2। अब एलाइलिक बेंजाइलिक अगर भूल चुके हो तो दोबारा से आप चैप्टर नंबर आपका 10 जो है कार्बनिक रसायन का, वो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है। एक सिंपल से जस्ट रिमाइंडर के लिए मैं आपको बता दूं, एलाइलिक का मतलब है कि OH जिस कार्बन से लगा है वो एक तो sp3 संकृत होना चाहिए और उसके पास वाला बॉन्ड जस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए। और बेंजाइलिक का मतलब sp3 कार्बन के साथ बेंजीन रिंग आपकी अटैच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैं आपको यहां बता रही हूं, OH जिस कार्बन से लगा है, ठीक है, वो आगे जाके क्या कर रहा है, वो आगे जाके डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा हुआ, एलाइलिक, ठीक है। और यहां पर इस कार्बन का संकरण कैसा है, इसका संकरण sp3 है, तो इसको हम एलाइलिक बोलते हैं। अब कार्बन के साथ OH जो लगा है वो sp3 संकृत है, लेकिन यहां जो रिंग लगी है वो कौन सी रिंग है, यहां बेंजीन की रिंग है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्लियर इतना? तो एक हो गए आपके एलाइलिक और एक बच्चों हो गए आपके बेंजाइलिक। लेकिन इन एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करना है तो ऑक्सीकरण करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, यहां हम जो उत्प्रेरक लेंगे वो ये सब नहीं लेंगे, हम ये बहुत प्यारा सा हमारा जो उत्प्रेरक है इसका नाम है MnO2, इसको हम प्रयोग में लेंगे। क्लियर इतना? तो MnO2 के प्रयोग से आप एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका था, कौन सा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। अब जो हमारे पास में दूसरा तरीका है वो है अल्कोहलों का वी हाइड्रोजनन करना। तो अब देखते हैं कि अल्कोहलों का वी हाइड्रोजनन हम कैसे करेंगे। चलिए, तो दूसरा तरीका जो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन में पढ़ना है वो है हमारा अल्कोहलों के वी हाइड्रोजनन से। अब बच्चों अल्कोहल के वी हाइड्रोजनन का मतलब होता है डीहाइड्रोजिनेशन, और डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन की कमी, मतलब मुझे यहां से किसको हटाना है, मुझे H2 को हटाना है, ठीक है। अब करना क्या है, अल्कोहलों का वी हाइड्रोजनन मतलब डीहाइड्रोजिनेशन, और डीहाइड्रोजन मतलब मुझे वहां से हाइड्रोजन को हटाना है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर अल्कोहल की वाष्प को, हम क्या लेंगे यहां पर, हम अल्कोहल की वाष्प लेंगे, अल्कोहल की वाष्प को तपती हुई कॉपर नली में प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे,
प्रवाहित करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूं। मुझे यहां पर अल्कोहल की वाष्प लेनी है। अल्कोहल की वाष्प का मुझे वी हाइड्रोजनन डीहाइड्रोजिनेशन करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको तपती हुई कॉपर नली में प्रवाहित करूंगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दो और कॉपर का यूज करो, ठीक है। कॉपर हमेशा लाल रंग का होता है, तो लाल कलर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, एक अल्कोहल ले लो आप, और उस अल्कोहल को आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे कॉपर की प्रेजेंस में। तो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर ये अल्कोहल आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये दूसरा तरीका है आपका अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन करती हूं, मतलब उसको मैं हीट करती हूं कॉपर डाल के, तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड, और यही चीज आप 2 डिग्री अल्कोहल की करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हो तो आपको मिलेगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करते हो तो कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने के बाद आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पर कीटोन, क्लियर। अब देखिए कि कैसे यह अभिक्रिया होगी। मैंने लिया यहाँ पर CH3CH2OH। आप सभी बच्चों को पता है कि CH3CH2OH कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों मैंने इसको 1 डिग्री बोला, देखो जिस OH जिस कार्बन से जुड़ा है आगे जाके वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं बोल रही हूं कि डीहाइड्रोजिनेशन करना, मतलब वी हाइड्रोजनन करना, हाइड्रोजन को हटाना। तो बच्चों अगर आप इस CH2OH के हाइड्रोजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन का हटना मतलब H2 का हटना, तो अगर कॉपर के साथ गर्म करेंगे हम इसको और इसको हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3CHO, और CH3CHO क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप कॉपर की उपस्थिति में गर्म करोगे या कॉपर नली में आप उसको प्रवाहित करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका अल्कोहल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका एल्डिहाइड बनेगा, वो भी आपका 1 डिग्री बनेगा, क्लियर। चलिए तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल की, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपका जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है, वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो देखिए ये हुआ आपका 2 डिग्री अल्कोहल, कैसा अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। क्यों मैंने इसको 2 डिग्री बोला, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे जाके आपका 2 और कार्बन से जुड़ा है। मुझे हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाना मतलब बच्चों क्या हुआ कि मुझे इस H को भी हटाना है और यहां से इस H को भी हटाना है, इस H2 को बाहर निकालना है। अगर मैं इस H2 को यहां से बाहर निकालती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और देखो ROR, ठीक है, C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, ये बन गया आपका कीटोन, क्लियर इतना। तो 1 डिग्री अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन करोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन करोगे तो क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये हमारा एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। अब जो हमारे अगले लेक्चर होंगे उसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की अलग अलग विधियां देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आज एक जनरल रिएक्शंस देख रहे हैं, एक सामान्य अभिक्रिया देख रहे हैं जो अल्कोहल और कीटोन दोनों के लिए आपकी लागू होंगी, क्लियर बच्चों। चलिए तो ये था आपका दूसरा तरीका। पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि हम अल्कोहल का कैसे ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। ये हमने पढ़ा कि हम अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन करके कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करेंगे। अब आगे मैं बात करूं कि तीसरी अभिक्रिया क्या थी, तो तीसरी अभिक्रिया आपकी एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की है हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूं, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। Thank you.
कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हैं तो वो आपके या तो एल्केन होंगे या आपकी एल्कीन होगी या तीसरा आपके एल्काइन होंगे। ठीक है, एल्केन का मतलब जिनका जनरल सूत्र आपका CnH2n+2 होगा, एल्कीन का मतलब जिनका जनरल सूत्र CnH2n होगा, और इसका जनरल सूत्र होगा आपका CnH2n-2। ठीक है, अब बच्चों ये हुआ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आपके हाइड्रोकार्बन हैं। तो अब जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, अब वहां पर हम इन तीनों में से किसी एक की बात करेंगे। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक एकक आबंध। सी डबल बॉन्ड सी अगर द्विक आबंध है तो हम उसको एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्काइन। तो हमारे पास में यहाँ पर तीन हाइड्रोकार्बन हुए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और अब हम जो एल्डिहाइड बनाने की विधि देखेंगे या कीटोन बनाने की विधि देखेंगे, हम इन तीनों को ही प्रयोग में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से जो हम अधिकतम स्थितियां लेंगे वो हम कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की ही लेंगे, क्योंकि हम निर्माण या तो एल्केन से करेंगे या फिर हम एल्कीन से करेंगे। क्लियर? तो तीसरी जो विधि है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की, वो हाइड्रोकार्बन से है। हाइड्रोकार्बन का मतलब आपके वो यौगिक होंगे जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध होगा या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में आपका तीन आबंध होंगे। या तो कार्बन कार्बन द्विक आबंध होगा, द्विक आबंध का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, या फिर उसमें तृतीयक आबंध होगा। तृतीयक आबंध का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो या तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उससे अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना करेंगे। तो देखिए, अब अगर मुझे हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो यहां पर मुझे उसके बनाने की दो विधियां पता है। ठीक है, अब वो दो विधियां कौन सी है? जो पहली विधि है आपके पास हाइड्रोकार्बन से बनाने की वो है एल्कीनों के ओजोन अपघटन से, और दूसरा आपकी विधि है एल्काइनों के जल योजन से। जैसा मैंने आपको बोला कि या तो हम प्रयोग में एल्कीन लेंगे या फिर हम एल्काइन लेंगे। अब नाम पे पहले समझिएगा, टॉपिक को पहले समझिएगा। जब आप टॉपिक को समझेंगे तब पता चलेगा कि क्या ऐड करना है और मैडम हमारा क्या बनेगा। ठीक है, मैंने बोला एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। क्या बोला? एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से। तो एल्कीन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बंध है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओजोनोलिसिस करना, ओजोनोलिसिस करना मतलब ओजोनी अपघटन करना। तो ओजोनी अपघटन हमेशा ओजोन की उपस्थिति में होगा, और ओजोन का मतलब है कि मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? O3 ओजोन होती है ना। अब दिमाग में एक सिंपल सा रूल याद रखो कि जब आप ये अभिक्रिया करोगे तो पहले झोपड़ी बनेगी फिर झोपड़ी टूटेगी। अब झोपड़ी कैसे बनेगी कैसे टूटेगी वो हम देखते हैं। जब हम इसका एल्कीन का ओजोनी अपघटन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? ओजोन का हम अपघटन कर रहे हैं एल्कीनों के साथ। तो ओजोनी अपघटन, तो मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका एल्कीन है। ठीक है, क्या करवाना है मुझे? ओजोनोलिसिस करवाना है, ओजोनी अपघटन करवाना है। तो मैं क्या करूं, एक एरो लगा दूं, और क्योंकि मुझे ओजोनी अपघटन करवाना है तो मैं यहां लिख देती हूं O3, और इसको लेना पड़ता है CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, CCl4 होता है बच्चों आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैंने क्या बोला, पहले झोपड़ी बनेगी और फिर झोपड़ी आपकी टूट जाएगी। तो देखो, सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ते ही यहां लग गया CH2। इतना क्लियर? चलो,
O3 डालना है, मतलब मुझे इसका ओजोनी अपघटन करवाना है। ऑक्सीजन में कितने, O3 में कितने ऑक्सीजन है? O3 में मेरे पास में 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो झोपड़ी के रूप में, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो और एक यहां लगा दो, बन गई झोपड़ी। झोपड़ी बन गई। देखो करना क्या है कि सी और सी के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ डालो। तोड़ने के बाद ये बचा CH2CH2। O के पास 3 O है, O3 के पास 3 O है, ओजोन के पास 3 O है। 3 O को झोपड़ी के आकार में लगा दो, बन गई झोपड़ी। अब मैंने क्या बोला, इस झोपड़ी को तोड़ डालो। ठीक है, क्या करना है, इसका अपघटन करना है। अपघटन मतलब इसमें से मुझे H2O को बाहर निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका अपघटन करती हूं तो अपघटन करने का मतलब यह है कि मुझे इसमें जिंक डालना पड़ेगा। Z से हो गया जिंक, H2O मतलब जल, ज और ज। ठीक है, अब मुझे इसका अपघटन करना है तो अपघटन करने के लिए मुझे यहां पर जिंक और जल डालना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, पहले झोपड़ी को बनाओ और बाद में झोपड़ी को तोड़ दो। तो करोगे क्या, देखो इस झोपड़ी को तोड़ना शुरू करो। झोपड़ी टूटी यहां से और झोपड़ी टूटी यहां से। ठीक है, अब जब ये झोपड़ी यहां से टूटेगी, तो झोपड़ी जब यहां से टूटेगी तो यहां पर आपका क्या बचेगा, HCHO, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को यहां से निकाल के चला जाएगा। ठीक है, तो यहां कौन बचेगा, यहां बचेगा CH, ये हो गया O, और आपका यहां बचा HCHO। ठीक है, इधर से भी निकलेगा तो ये बचेगा CH2 और यहां भी बच जाएगा बच्चों हमारा एक O। ठीक, तो यहां पर किस चीज का निर्माण होगा, यहां पर मुझे मिलेगा HCHO प्लस HCHO। ये HCHO और HCHO मेरे को कितने मिले, ये 2 मिलेंगे, एक मुझे इधर से मिलेगा, एक मुझे इस तरफ से मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका अपघटन किया। तो कुल मिला के मुझे HCHO कितने मिल गए, मुझे HCHO मिल गए 2। तो बच्चों 2 HCHO मिले, और HCHO क्या होता है, HCHO मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इतना क्लियर, करना क्या है, एक एल्कीन लो, उसमें O3 डालो CCl4 की उपस्थिति में, इस बंद को तोड़ो, 3 O है, उनको झोपड़ी के आकार में लगा दो। पहले झोपड़ी बनाओ, जिंक और जल की प्रेजेंस में क्या करो, इनको झोपड़ी को तोड़ दो। तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेंगे, 2 HCHO मिलेंगे, एक इधर से एक इधर से, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। क्लियर, इसी तरीके से हम किटोन का भी निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब हम ये अभिक्रिया करेंगे तो इस तरीके से आपका किटोन का निर्माण भी यहाँ पर हो सकता है। क्लियर इतना। चलिए, अब ये तो थी हाइड्रोकार्बन की पहली अभिक्रिया जिसमें हमने एल्कीनों का क्या किया, ओजोनी अपघटन किया। अब मुझे क्या करना है, अगली अभिक्रिया में मेरे को एल्काइनों के जलयोजन से दूसरी अभिक्रिया करनी है। ठीक है, तो पहले तो नाम को समझो, क्या लिखा है यहां, एल्काइनो, एल्काइन, एल्काइन का क्या मतलब होता है, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया ये आपकी तृतीयक आबंध की स्थिति है। क्लियर स्टूडेंट्स, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मुझे उसका करना है जलयोजन। ठीक है, जलयोजन करने का मतलब होता है जल को जोड़ना। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है अगर आप उसको समझ के चलते हैं तो। ठीक है, जलयोजन मतलब जल का जुड़ना, तो इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा, इस अभिक्रिया में हमारा जल जुड़ेगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं एक एल्काइन, तो देखिए होगा क्या, हमने यहां लिया कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहां लग गया H, यहां लग गया H, इसको मैं क्या बोलूंगी, ये हो गया मेरा एल्काइन। क्लियर, अब मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें जल को जोड़ना है। ठीक है, तो जल को जोड़ना है तो प्लस H2O कर दूं, लेकिन ये जल कब जुड़ेगा,
ये जल आपका जुड़ेगा H2SO4 या फिर HgSO4 की उपस्थिति में ही। तो हमको यहाँ एरो पे क्या लिखना पड़ेगा, H2SO4 या फिर HgSO4, इन दोनों में से कुछ होगा तभी यह अभिक्रिया हो गई, सिर्फ जल जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मुद्दे को। ये जो आपका H2O है, ठीक है, ये H2O कैसे बना, H और OH से बनाना, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब H2O टूटेगा तो एक आपको H देगा और एक आपको OH देगा। तो बच्चों देखो, CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटने के बाद होगा क्या, एक जगह आपका H लग जाएगा, एक जगह आपका OH लग जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसका एक बॉन्ड आपका जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक H आपका जुड़ गया यहाँ, एक OH आपका जुड़ गया यहाँ, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ आपने क्या किया, आपने इसका जल का योजन किया। तो अब जब इस अभिक्रिया में आप क्या करोगे, आपको एल्डिहाइड चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H है ये आपको डबल बॉन्ड जो है ये अपने H इसको दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये COH मिलके आपका CHO बन गया। अब CH3CHO क्या होता है, ये मैं आपको पिछली कक्षा में जब हमने लेक्चर का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हम सामान्य नाम और IUPAC नाम कर रहे थे, मैंने बताया था इसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इतना क्लियर। तो ये बना आपका एसिटल्डिहाइड और हमने क्या किया, एल्काइन का जल योजन किया, जल को जोड़ा, लेकिन जल को जोड़ने के लिए यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है आपका H2SO4 और HgSO4। अगर H2SO4 और HgSO4 नहीं होगा तो ये अभिक्रिया आपकी नहीं होगी, क्लियर। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में हमने क्या जाना बच्चों, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन को करने वाली जनरल रिएक्शंस देखी। यहाँ जो मैंने आपको विरचन की विधियां बताई वो दोनों को बनाने की जनरल विधियां हैं। तो पहली विधि में हमने क्या देखा, हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण करने के लिए हमको KMnO4 या K2Cr2O7 चाहिए। दूसरी अभिक्रिया में हमने अल्कोहल का वी हाइड्रोजनन किया, वी हाइड्रोजनन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वी हाइड्रोजनन करने के लिए मुझे हाइड्रोजन को उसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी अभिक्रिया हमारी थी हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया, जब हमने हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करवाई तो वहां दो अभिक्रिया थी, एक एल्कीन की थी एक एल्काइन थी। तो एल्कीन की अभिक्रिया में हमने क्या किया, एल्कीन की अभिक्रिया हमने कुछ इस तरीके से की कि हमने वहां पर उसका ओजोनी अपघटन किया। और एल्काइन की अभिक्रिया जो मैंने आपको लास्ट अभी बताई, उस अभिक्रिया में मैंने अपघटन नहीं किया है, वहां मैंने जल का योजन किया है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी चार अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की। हमेशा ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल से आपका हमेशा कीटोन का निर्माण होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य अभिक्रियाएं दोनों को बनाने की। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बनाएं, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई भी क्वेश्चंस, डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।